Hello, my name is Muhammad Ahmed. I am from Sudan. और भाई, scenes कुछ ऐसे. कौन कहता है कराची में बिजली नहीं है? हमारे पास एक्स्ट्रा बिजली है भाई. दिन में भी चलाते हैं हम. सीन्स कुछ ऐसे हैं कि कल रात मैं 4 घंटे सोया हूँ, अभी 11:15 बज रहे हैं. मुझे आज भी एक मीटिंग पे जाना है जमजमा, और आज फ्राइडे भी है तो नमाज है. तो कोशिश मैं यही करूँगा कि मैं जुम्मे से पहले घर आ जाऊँ, नहा धो के यही नमाज़ पढ़ लूँ, और उसके बाद वो बात करनी है जो आज के ब्लॉग का मेन टॉपिक है. बस और कुछ नहीं, नींद आ रही. द डिजिटल फैक्ट्री, और यहाँ पे सारे ट्विटर सेलिब्रिटीज मेरे सामने थोड़ा सीन कुछ ऐसा कि मैं आया था इधर एहसन भाई से मिलने. एहसन भाई से बात मुझे ये करनी थी कि आई एम अ कॉन्टेंट क्रिएटर. तो आप कॉन्टेंट क्रिएटर हैं तो हाउ डू यू मार्केट योर सेल्फ, एक बात ये थी. दूसरी बात ये थी कि एहसन भाई और मैं एक वीडियो साथ बनाएंगे, कोलैबोरेशन. बड़ी सिनेमैटिक सी वीडियो बनानी है मुझे, और उसमें मुझे एहसन भाई की थोड़ी हेल्प चाहिए, तो उसकी बात भी कर ली. अब 45 मिनट हैं जमजमा से मलीर कैंट वापस जाने के लिए, और जुम्मा पढ़ने के लिए. जुम्मा होता है 1:45 पे, 1 बज रहा है, तो इट्स रेस अगेंस्ट टाइम. क्यों बाबू, पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह. पहुंच गए भाई, पहुंच गए. 2-3 मिनट रह गए, पहुंच गए. लेकिन हम 2 बजे वाली मस्जिद में आए, 2:45 वाली में तो कब की हो गई. अच्छा भाई, अल्लाह हाँ भैया. तो जुम्मे की नमाज़ हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई नमाज़. और अभी मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है जो मैंने पहले बताया था, लेकिन नैप उससे ज़्यादा ज़रूरी है भाई. तो अभी छोटी सी नैप ब्रेक होगी, और उसके बाद हम बात करेंगे मेन. तो स्टे ट्यून्ड. 2 hours later. तो फाइनली आज की बात, ज़रूरी बात, टॉपिक ऑफ द डे. मुझे जब फुटबॉल सीखनी थी आई कॉपीड रोनाल्डिनियो. फोटोग्राफी सीखनी थी आई कॉपीड माई फ्रेंड फतेह, एंड देन आई कॉपीड मुबीन अंसारी. कलर ग्रेडिंग सीखनी थी फोटोग्राफी में आई कॉपीड अली खुर्शीद. अली खुर्शीद का स्टाइल बड़ा अच्छा लगता था. मुझे वीडियोग्राफी सीखनी थी आई कॉपीड सोलोमन लाइथहेल्म. तो उसके बाद जैसे जैसे मैं हर चीज़ में कॉन्फिडेंट होता गया, आई डेवलप माई ओन स्टाइल. जब आप बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराते हैं, उनको ABC लिखनी नहीं आती, वो ABC ट्रेस करते हैं. फिर उनकी जब हैंड राइटिंग इम्प्रूव होती है, जब उनको लिखना आता है, तो उनका अलग स्टाइल डेवलप हो जाता है. हर किसी की राइटिंग डिफरेंट होती है. तो ये सारी कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि अभी केसी नास्ताट ने एक व्लॉग बनाया था जिसमें उन्होंने अपने ब्लॉगिंग का ट्यूटोरियल बताया था, इस तरह बनाता हूँ, इस तरह बनाता हूँ. और उसके एंड में उन्होंने बोला था कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप केसी नास्ताट की तरह बन जाएंगे. लेकिन दुनिया को एक और केसी नास्ताट नहीं चाहिए. अगर आप चाहते हैं आपको सक्सेस मिले, लोग आपको पसंद करें, तो आप अपना स्टाइल ढूंढें, डेवलप करें, मुझे कॉपी मत करें. और वो बात मुझे बहुत से लोगों ने भेजी थी, देख लो केसी ने क्या बोला. मुझे वो बात बहुत पहले से पता है. ब्लॉगिंग की कोई गाइड बुक नहीं है, ब्लॉगिंग की कोई किताबें नहीं है, आप पढ़ें स्टार्ट कर लें, कोई ट्यूटोरियल नहीं है. तो हर किसी को अपना स्टाइल ढूंढना पड़ता है. स्टाइल ढूंढने के लिए कुछ बनाना पड़ेगा, और बनाने के लिए किसी ना किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा. मैंने रोनाल्डिनियो का सहारा लिया, फिर अपना स्टाइल खुद डेवलप किया. मैंने सोलोमन लाइथहेल्म को कॉपी किया, अली खुर्शीद को कॉपी किया, और अब अपना स्टाइल डेवलप कर लिया. और व्लॉगिंग में भी अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे केसी नास्ताट के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती. आई हैव डेवलप्ड माय ओन स्टाइल. फॉर एग्जांपल, केसी नास्ताट के व्लॉग में कोई ह्यूमरस एलिमेंट नहीं होता है, मैं अपने व्लॉग में डालता हूँ. केसी नास्ताट के व्लॉग में कोई सिनेमैटिक सीक्वेंस नहीं होता, स्लोमो नहीं होता, मैं डालता हूँ. तो इससे पहले कि आप मुझे ये बोलें कि यू आर ट्राइंग टू बी अनदर केसी नास्ताट, हम माजरत के साथ आपको बताना चाहते हैं कि आप गलत हैं. आई एम ट्राइंग टू बी माई सेल्फ, आई एम ट्राइंग टू डेवलप माई ओन स्टाइल. मेरे व्लॉग करने का स्टाइल
मेरे बोलने का स्टाइल, मेरी एडिटिंग का स्टाइल, मेरे म्यूज़िक का टेस्ट, मेरे सिनेमैटिक सीक्वेंसेस, सब केसी नाश्ता से बहुत अलग है। और ये मंजन बेचना था सारा आज का, बस फिर होपफुली कल मिलते हैं। बाय द वे, कल भी एक और मीटिंग है मेरी, बिजी बॉय। तो इस बारे में मुझे एक बात करनी है, मेरा भाई यहाँ से गया है, मुझे जज करता हुआ देख के।